जी की जय। हमारे साथ में संत आदरणीय राम सुंदर दास महन जी हैं, बहुत ही विद्वान हैं और बहुत साल से, हालांकि राजनीति का अलग विषय हो गया, लेकिन महन जी हैं। सरल सज्जन और धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति भी आपकी जो रुचि है और काम करते हैं, आज चैम्बर में आए हैं। दिवाली मिलन है, लेकिन सबको आशीर्वाद, संत का काम है सबको आशीर्वाद देना, क्या कुछ कहेंगे महन जी? हमारे भारतीय संस्कृति सनातन धर्म में पंच दिवसीय दीपोत्सव का बहुत ही अहम स्थान है। आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो मुख्यालय है रायपुर में, उसका ऑफिस में आज हम लोग आए हैं। सभी सदस्यों से भेंट मुलाकात हुई है दीपावली मिलन के समारोह में, और बहुत ही अच्छा यह माहौल है। भगवान राघवन सरकार जी की, माता लक्ष्मी कृपा सब ऊपर बनी रही, कामना और प्रार्थना भी मैं करना चाहता हूँ। और यह दो दीपोत्सव का पर्व है, ये सब के लिए शुभकारी हो, मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो, ये मैं प्रार्थना भी करना चाहता हूँ। क्या कुछ कहेंगे सनातन धर्म पर भी? मैं चाहता हूँ कि आज आदरणीय महान जी कुछ कहें। देश में बड़ा विवाद भी होता है, बातचीत भी होती है, और हालांकि एक बात कही है किसी पार्टी की तरफ से कि यार सनातन होना किसी सबके है, ये देश सबका है और सभी लोग यहाँ के निवासी हैं। जो लोग सनातन को लेकर विवाद करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग सनातन को समझते ही नहीं है। सनातन का जो भाव है वह वसुधैव कुटुम्बकम की है। यह सारा वसुधा ही हमारा एक कुटुम्ब है, अपना परिवार है। और सनातन में कहा भी गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यह भाव जब सबके मन में आ जाए, जन जन के मन में आ जाए, तो फिर दुराग्रह की लड़ाई झगड़े कहीं कोई स्थान ही नहीं है। अब यही हमारा सनातन है। बहुत अच्छी व्याख्या आपने की और बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में आपने बता दिया कि सनातन धर्म क्या है, उसका पालन करें सभी। हम मनुष्यों का गुण धर्म जो है वो सनातन धर्म है। मैं तपेश जैन नरेंद्र ठाकुर के साथ में, आपकी कृपा हम सब पर बनी रहे। जय जोहर, जय छत्तीसगढ़।